डिले डिले डिले, आखिरकार राइटर स्ट्राइक ने उस सारी मूवीज को खा ही गया। अब ऑफिशियली मार्वल के फेज 5 और फेज 6 के सारे प्रोजेक्ट्स को आगे की तरफ पुश कर दिया गया और उन सभी को नए रिलीज डेट दे दिए गए हैं। पर इन सभी मूवीज में सिर्फ एक डेडपूल 3 एक लौती मूवी है जो राइटर स्ट्राइक में आगे बढ़ने की जगह 6 महीने प्रीपोन्ड हो चुकी है। सारी खबर दूंगा मैं इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहे। तो कैसे हैं भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का क्वाला टॉक्स में। आज मैं बात करने वाला हूं मार्वल के फेज 5 और फेज 6 के डिलेड और प्रीपोन्ड हुए सारे प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले अगर एमसीयू के फेज 5 की स्लेट को देखें तो अभी हमें इको की सीरीज मिलने चाहिए थी और अगले महीने हमें लोकी सीजन 2 मिलना चाहिए था, पर अब हमें लोकी सीजन 2 देखने को मिलेगा 6 अक्टूबर 2023 को और इको की सीरीज हमें देखने को मिलेगी 29 नवंबर 2023 को। और फिर द मार्वल जिसकी इनिशियल रिलीज डेट 28 जुलाई 2023 थी उसे आगे बढ़कर 10 नवंबर 2023 कर दिया गया है क्योंकि इनके फाइनल बैटल को इन्होंने फिर से पूरा का पूरा शूट किया है। सो मूविंग ऑन, आयरन हार्ट की सीरीज जो फॉल 2023 में आने वाली थी अब उसे नेक्स्ट ईयर के लिए पुश कर दिया गया है। और फिर अगाथा केवन ऑफ केओस जो विंटर 2023 में आने वाली थी उसे भी अब नेक्स्ट ईयर के लिए पुश कर दिया गया है। नेक्स्ट फिर डेयर डेविल बॉर्न अगेन जो कि स्प्रिंग 2024 में आने वाली थी उसे समर 2024 के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द मूवीज, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका नाम चेंज करके कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड कर दिया गया है, पर इसका ऑफिशियली नाम होना चाहिए द इनक्रेडिबल हल्क 2 विदाउट हल्क। मूविंग ऑन टू द टॉपिक, इसकी इनिशियल रिलीज डेट थी 3 मई 2024, उसे अब शिफ्ट करके आगे कर दिया गया है 26 जुलाई 2024 को जो कि इनिशियल रिलीज डेट थी थंडरबोल्ट्स, और हाँ आप थंडरबोल्ट्स को सस्ता ब्लैक विडो 2 भी कह सकते हैं। इसे 25 जुलाई 2024 से शिफ्ट करके 20 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। अरे अरे आप लोग निराश मत हो, तो डेडपूल 3 जो कि 6 दिसंबर 2024 को आने वाली थी उसे 6 महीने प्रीपोन्ड कर दिया गया और उसे नई रिलीज डेट मिली है 3 मई 2024 की जो कि इनिशियल रिलीज डेट थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। इजंट इट स्ट्रेंज कि जहां राइटर स्ट्राइक के कारण सारी मूवीज डिलेड होती जा रही है और ये मूवी 6 महीने पहले आ रही है। और सुनने में हमें ये भी आया हुआ है कि इस मूवी की शूटिंग पूरे 6 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। लाइक लिटरली छोड़ो जैसा भी कर रहे हो, बस इसे डेडपूल में वो मजा मत हटाना जो उसमें था। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मूवी ब्लेड, जिसकी रिलीज डेट को बार बार बदला जा रहा था, उसे एक और न्यू रिलीज डेट मिल गई है, स्वीट 14 फेब 2025। और न्यूज तो ये भी आ रही है कि ये पूरी तरह से आर रेटेड होने वाली है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही मजेदार होगा। तो 14 फेब 2025 जो की इनिशियल रिलीज डेट थी फैंटास्टिक फोर्थ की, उसे आगे पुश कर दिया गया है 2 मई 2025 के लिए। और इस मूवी के साथ तो अलग ही लफड़े चल रहे हैं, इसकी अभी तक कास्टिंग फाइनल नहीं हुई है और इसकी कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि एमसीयू के आने वाले 2 या 3 फेजेस में इनका बहुत ज्यादा मेजर रोल होने वाला है। अब जबकि 2 मई 2025 फैंटास्टिक फोर आ रही है, ये इनिशियल रिलीज डेट थी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, तो इसे अब सीधा सीधी 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है 1 मई 2026 के लिए। और अब 1 मई 2026 ये तो इनिशियल डेट थी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की, तो उसे और 1 साल शिफ्ट कर दिया गया है 7 मई 2027 के। और हमारे जैसे टोपी मास्टर केविन साहब ने कहा है कि वो इसे एंड गेम से बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं, तो इसके अप्रॉक्स 2 पार्ट आएंगे, तो पार्ट 1 2027 में और पार्ट 2 2028। तो अब जब फैंटास्टिक फोर और सीक्रेट वॉर्स में पूरे के पूरे 2 साल का गैप है, तो उनके बीच में ओवी मूवीज आना कंफर्म। तो मैं उन मूवीज के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आर्मर वॉर्स जो कि एक सीरीज होने वाली थी पर वो एक मूवी बनने वाली है, ये मूवी श्योर है कि ये कैंग डायनेस्टी से पहले आएगी। फिर नेक्स्ट मूवी है शैंग-ची 2, ये मूवी भी कंफर्म है और ये मूवी कैंग डायनेस्टी से पहले ही आने वाली है। फिर उसके बाद आने वाली है स्पाइडरमैन 4, वो भी टॉम हॉलैंड वाला, और ये मूवी भी एक ही तरह से कंफर्म हो चुकी है और ये भी कैंग डायनेस्टी के पहले ही आएगी क्योंकि हमारे पिट्ठू पार्कर को पूरे टीम को लीड करना है भाई, तो उसे आना ही पड़ेगा। इसके बाद आने वाली है इटर्नल्स 2, ये मूवी कंफर्म है और ये कैंग डायनेस्टी के बाद आएगी। और लास्ट मूवी जो कि कंफर्म्ड है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, और ये मूवी सीक्रेट वॉर से जस्ट पहले आएगी। तो ये थी सारी खबरें मार्वल के डिले से रिलेटेड जो कि राइटर स्ट्राइक के कारण आगे बढ़ गई। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 3 के ब्रेकडाउन के साथ। तक ले, अलविदा, सायोनारा।